लेकिन देश ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि जब देश के ऊपर आपत्ति आई है, जब देश की भारत और पाक सीमा के ऊपर लड़ाई बनी हुई है, हमारा प्रधानमंत्री बूथ मजबूत करने में लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी लाशें गिन रही है कि कितनी लाश हो गई, अब इतनी सीट आएगी हमारी। क्या तुमने इसलिए भारत पाक सीन बॉर्डर के ऊपर ये सब करवाया तुम लोगों ने? अध्यक्ष महोदय, सारा देश इस टाइम गुस्से में है भारतीय जनता पार्टी की हरकतों के ऊपर। दिल्ली के अंदर आगामी लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने काफी समय पहले से चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी थी। पूरे दिल्ली के अंदर हमने सबसे पहले लोकसभा प्रभारी नियुक्त किए थे और लोकसभा प्रभारियों को हमने अलग अलग संगठन निर्माण के, डोर टू डोर कैंपेन के टास्क दिए, जिसके आधार पर पार्टी ने अपने लोकसभा प्रभारियों के कार्यों का आकलन किया। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगले एक हफ्ते के दौरान लोकसभा चुनाव की आचार संहिता घोषित होने वाली है, तो आम आदमी पार्टी ने आज अपने उम्मीदवार घोषित करने का निर्णय लिया है। साथ ही साथ दिल्ली को लेकर के और पूरे देश को लेकर के, पूरे देश में इस बात को लेकर के चिंतन और सोच चल रही है कि इस देश के अंदर जिस तरह की पिछले 5 साल में केंद्र सरकार की परफॉर्मेंस रही है, जिस तरह से रोजगार छीने गए, जिस तरह से किसानों की दुर्दशा हुई है, जिस तरह से एक एक करके सभी संवैधानिक संस्थाओं को विनष्ट किया गया है, ऐसे में देश के अंदर एक लोकतांत्रिक सरकार बने जो जनता की आवाज को सुने, संविधान के अनुसार लोगों के शिक्षा, रोजगार, किसानों, मजदूरों की आवाज को सुने और उनकी समस्याओं का समाधान निकाले, इसके लिए महागठबंधन के माध्यम से पूरे देश के अंदर प्रयास चल रहे हैं। दिल्ली के अंदर भी महागठबंधन की तरफ से ये प्रस्ताव था कि वोटों का विभाजन ना हो, इसलिए दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी जो महागठबंधन में शामिल है और आम आदमी पार्टी, दोनों मिलकर के दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ें। लेकिन सभी प्रयासों के बावजूद पिछले दिनों जंतर मंतर पर 13 तारीख की जो महागठबंधन की रैली हुई थी, उसके बाद शरद पवार जी के घर पे महागठबंधन के शीर्ष नेताओं की बातचीत हुई, जिसमें हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी भी शामिल हुए थे। और वहां पर गठबंधन को लेकर के राहुल गांधी जी ने ओपनली मना कर दिया कि हम गठबंधन नहीं करेंगे, हमारी राज्य समिति इसके लिए तैयार नहीं है। हम लोगों ने सोचा कि शायद रीथिंक करेंगे, लेकिन कल जिस तरह से फिर कांग्रेस की प्रदेश के शीर्ष नेताओं की बैठक के बाद दिल्ली की प्रदेश अध्यक्ष शीला दीक्षित ने ओपनली ये मना कर दिया कि हम गठबंधन नहीं करने के लिए तैयार हैं, इसके बाद पार्टी ने निर्णय लिया है कि अब समय बहुत कम बचा है, इसलिए अब हम अपने कैंपेन को लॉन्च करेंगे। और उसके लिए आज दिल्ली के अंदर हम अपने उम्मीदवारों की घोषणा करने जा रहे हैं, जिसमें आज चांदनी चौक लोकसभा से हमारे पंकज गुप्ता जी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट होंगे अगले लोकसभा में। पंकज गुप्ता जी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की डिग्री के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहे हैं, इन्होंने बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम किया है, खुद सॉफ्टवेयर का इन्होंने बिजनेस सफलतापूर्वक चलाया,
कई सामाजिक संगठनों के साथ ये काम करते रहे और पार्टी की स्थापना के बाद से हमारे पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, हमारे प्रवक्ता हैं, हमारी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के मेंबर हैं और जिस तरह से शालीनता के साथ बैक पर रह करके पार्टी के कामों को वॉलंटियर्स के साथ और सभी मुद्दों पर काम करते रहे हैं। पिछले इन सारे कार्यों को देखते हुए इनको चांदनी चौक का प्रभारी भी बनाया गया था, उसके आधार पर पार्टी ने चांदनी चौक लोकसभा से पंकज गुप्ता जी को उम्मीदवार बनाने का निर्णय लिया है। नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट से दिलीप पांडे जी को आम आदमी पार्टी अपना उम्मीदवार घोषित कर रही है। दिलीप पांडे जी हमारे आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, कंप्यूटर इंजीनियर रहे हैं, दुनिया के कई सारे देशों में इन्होंने काम किया है। उसके बाद जिस समय हमारी 70 में से 67 सीट आम आदमी पार्टी को मिली उस दौरान को कन्वीनर के रूप में दिलीप पांडे जी ने सफलतापूर्वक संगठन के काम को अंजाम दिया था। UNCAC के लाइफ टाइम सदस्य हैं, जो इंटरनेशनल एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन है, गरीबों के लिए तमाम सोशल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते रहे और इसके साथ साथ आप जानते हैं कि राजनीतिक सामाजिक कार्यों को करते हुए एक अच्छे राइटर के रूप में जिनकी कई किताबें छप चुकी हैं दिलीप पांडे जी काम कर रहे हैं। उसी तरह से पूर्वी लोकसभा से हमारी जो लोकसभा प्रभारी रही हैं, हमारी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की सदस्य हैं आतिशी जी को आम आदमी पार्टी अपना पूर्वी लोकसभा से उम्मीदवार जो है वो घोषित कर रही है। इन्होंने खास तौर से दिल्ली के अंदर जो शिक्षा में बदलाव की क्रांति आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया, इन्होंने 1 रुपए के ऊपर सलाहकार के रूप में हमारे शिक्षा मंत्री के सलाहकार के रूप में काम किया और इनके कामों से बौखलाहट में जिस तरह से इनको सलाहकार पद से केंद्र सरकार और मोदी जी को हटाना पड़ा वो इस बात का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है कि कितने जबरदस्त तरीके से इन्होंने एक सलाहकार के रूप में शिक्षा में बदलाव के लिए काम किया। आतिशी जी दिल्ली यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं, गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं और इसके साथ साथ इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से रोड्स स्कॉलर रही हैं और मेरे ख्याल से सरकार के साथ साथ ही आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी को इन्होंने बखूबी निभाया है। तो पूर्वी दिल्ली से आतिशी जी को पार्टी उम्मीदवार के रूप में घोषित कर रही है। साउथ दिल्ली से राघव चड्ढा जी जो हमारे पार्टी के प्रखर प्रवक्ता हैं, इन्होंने मॉडर्न स्कूल से 12th पास किया, DU से BCOM किया, CA हैं और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने स्टडी की है। राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में पार्टी के सारे स्टैंड को, सारे कैंपेन को प्रखरता के साथ लोगों के सामने रखते रहे हैं और इसके साथ साथ इन्होंने भी जो पिछले बजट जो आम आदमी पार्टी के बने हैं उसमें डिप्टी CM के वित्त सलाहकार के रूप में भी इन्होंने 1 रुपए पर सलाहकार के रूप में काम किया। तो सरकार से लेकर के और प्रवक्ता तक के काम को इन्होंने किया है। उसी तरह से नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट से गुगन सिंह जी को पार्टी अपना उम्मीदवार के रूप में घोषित कर रही है। गुगन सिंह जी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस में 18 साल तक देश की सेवा किए, उसके बाद इन्होंने भूमि संघर्ष समिति किसानों के लिए काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी है, साथ साथ ये BSP के बुनकर समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, बवाना विधानसभा के पूर्व विधायक रहे हैं और गांव और देहात की लड़ाई को इन्होंने काफ़ी प्रमुखता से लड़ा है। तो गुगन सिंह जी को नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिमी लोकसभा सीट से उम्मीदवार के रूप में घोषित कर रही है। साथ ही साथ नई दिल्ली लोकसभा के लिए ब्रजेश गोयल जी को पार्टी अपना उम्मीदवार घोषित कर रही है। ब्रजेश गोयल दिल्ली के व्यापारियों की लड़ाई के एक जाने माने चेहरे हैं, एक युवा आवाज़ हैं, दिल्ली के अंदर
आम आदमी पार्टी के ट्रेड विंग के प्रदेश के संयोजक हैं और इसके साथ साथ दिल्ली के अंदर व्यापारियों की कोई भी मुसीबत रही हो, कोई भी हक की बात रही हो, ब्रजेश गोयल हर समय आगे रहे, चाहे वो नोटबंदी का मसला रहा हो, चाहे सीलिंग का हो, चाहे बैट जीएसटी का हो, चाहे रिटेल में एफडीआई का हो, इन तमाम तरह की, चाहे वो टैक्स छापे क्यों, जिसमें दिल्ली के अंदर एक प्रखर व्यापारियों की आवाज़ बन करके ब्रजेश गोयल जी उभरे हैं। तो ब्रजेश गोयल को नई दिल्ली लोकसभा से अपने उम्मीदवार के रूप में पार्टी घोषित कर रही है। वेस्ट लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी ने कई नामों पर विचार किया है, लेकिन अभी आज उस नाम की हम अनाउंसमेंट नहीं कर रहे हैं। जल्दी कुछ दिनों में हम वेस्ट लोकसभा सीट के भी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर देंगे। मैं इतना कहना चाहता हूं कि हम लोगों की ये कोशिश थी कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी, खास तौर से दिल्ली के सातों सांसद जिन्होंने पिछली बार लोकसभा चुनाव में दिल्ली के लोगों को उनके लोकतांत्रिक अधिकार के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का वादा किया था, सातों के सातों सांसदों ने पूर्ण राज्य के मुद्दे पर धोखा दिया। भारतीय जनता पार्टी जो बार बार पूर्ण राज्य के वादे को मैनिफेस्टो से लेकर के सभाओं तक दोहराती रही, उनके मुख्यमंत्री दोहराते रहे, उनके प्रधानमंत्री दोहराते रहे, लेकिन जिस तरह से भाजपा ने खास तौर से पूर्ण राज्य के मुद्दे पर धोखा दिया है और जिस तरह से उनके राग में राग कांग्रेस पार्टी मिला रही है, तो आज पार्टी ने फैसला किया है कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में हमने कांग्रेस और भाजपा दोनों को शिकस्त दी थी दिल्ली के जनता के साथ मिलकर के, 70 में से 67 आम आदमी पार्टी जीत कर आई थी, लोकसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी अपने दम पर अब इस लोकसभा चुनाव के लड़ाई को, इस दिल्ली के पूर्ण राज्य के दर्जे दिलाने की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस भाजपा को विधानसभा चुनाव की तरह शिकस्त दे करके दिल्ली के लोगों की आवाज को संसद तक पहुंचाएगी।